सबसे पहले प्राण है क्या? योगिक भाषा में बात करें तो प्राण का अर्थ है जीवनीय शक्ति। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांच तरह के मुख्य प्राण हमारे गिने गए हैं। और ये जो पांच प्रकार के प्राण हैं, यही हैं हमारे सभी अस्तित्व के कारण, हमारे होने के कारण। पांच और प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब तो है ही, परंतु इसके साथ में पांच प्राण हमारे और होते हैं, जिसमें नाग, कूर्म, धनंजय, ये सबसे जो हैं डाउन के प्राण होते हैं, और धनंजय प्राण है जिसके कारण सारी ऑर्गन डोनेशन आज होती है। खैर, पहले हम प्राण को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे हर एक प्राण के बारे में हम बात करते जाएंगे। देखिए, मंत्र को जानना, तंत्र को जानना, मंत्र की विद्या को जानना और तंत्र की विद्या को जानना, ये सभी चाहते हैं। जो भी व्यक्ति इस फील्ड में है, साधक जन है, वो सभी चाहते हैं कि हम जो है इस प्रकार की विद्याओं को जान सकें, समझ सकें, और हमारे जीवन में हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो सकें कि हम सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, खुश रहते हुए अपने जीवन को पूर्णता से जी सकें। अब सृष्टि जो है वो प्रतिपल हमें कुछ देने को ललायित रहती है हर वक्त। ये जो सब कुछ मिला है हमें, ये जो कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं कारण होता है। अब प्राण को माइन्यूटली अगर हम समझें तो प्राण का अर्थ है किसी भी सृष्टि के एक एक कण में जो जीवनीय शक्ति है, जो उसका लाइफ स्पैन है, वो प्राण है। और अपान क्या है? यानी अगर जीवित भाषा में हम बात करें कि हम जीवित हैं, हम सांस लेते हैं, हम सब खाते हैं, पीते हैं, सब प्रकार का हजम करते हैं, सब प्रकार से बोलते हैं, एक भी ये जो 10 प्राण हैं हमारे, एक भी प्राण अगर काम ना करे तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अधूरापन रहता है। यानी अपान भी जरूरी है। अब जो पांच प्राण हैं, सबसे पहले उनके बारे में हम बात करेंगे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जो प्राण है वो मुख्य रूप है जो हमारी नाभि, यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ सारी बॉडी है, वहां पे निवास करता है। अपान नाभि से नीचे, स्वादिष्ठान से नीचे और मूलाधार के बीच में जो अपान वायु बनती है, जो हमारे गैस्ट्रिक, जो भी हमारा जो भी कुछ होता है, जिससे हम स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, ये सब हमारा अपान है। व्यान, उदान, समान। अब व्यान प्राण जो है हमारा, वो यहां पे हमारे छाती के आसपास रहता है और वो हमारे इमोशंस को डील करता है। उदान वायु, उदान प्राण जो है वो हमारे कंठ में रहता है और हम उसके द्वारा ही बोल पाते हैं। समान हमारे यहां रहता है, हम इसी के कारण प्रॉपर तरीके से जीवन जी पा रहे हैं। प्राण अपनी जगह अवस्थित है, व्यान अपनी जगह अवस्थित है, उदान अपनी जगह अवस्थित है, अपान अपनी जगह अवस्थित है, पर समान जो है वो सारी बॉडी में घूमता है, संचरण करता है। प्राण वायु जीवनीय शक्ति है, अपान वायु उस जीवनीय शक्ति का बचा हुआ वेस्ट है, और व्यान वायु हमारे इमोशंस को डील करती है, उदान वायु हमारे बोलने और सब प्रकार की जो कंठ की वायु जब हम प्रयोग करते हैं, ये उसका भाग होता है, और समान वायु सारी बॉडी में घूमती है। उसके आगे नाग, कूर्म, धनंजय, इस प्रकार के प्राण होते हैं। कोई छींक के काम आता है, कोई हमारे अंदर डकार क्रिएट करता है, किसी के कारण हमारी पलक झपकती है, और धनंजय प्राण होता है जो सबसे आखिरी प्राण है। धनंजय प्राण, जब मैं महामृत्युंजय मंत्र की भी बात करता हूं, तो महामृत्युंजय मंत्र की जो एंशियंट साइंस है, जो मैंने आपको कल भी बोला, कुछ विद्याएं आकाश में हैं,
कुछ विद्याएं लुप्त हो चुकी हैं, कुछ विद्याएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि किन्हीं कारणों से वो विद्याएं जो हैं वो आपको आप तक पहुंचने से पहले ही लुप्त हो गई, छुप गई, परंतु उनका अस्तित्व जो है वो पूरी सृष्टि में है, वो हर जगह है फ्रीक्वेंसीज के रूप में। आविष्कार भी उसी कारण हो पाते हैं। अब प्राण जब तक आपके अंदर मुख्य रूप से ये पांच प्राण अच्छे से काम कर रहे हैं, बैलेंस्ड हैं, आप हेल्दी हो, परंतु जैसे ही आपके प्राण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी समस्या है, अपान बहुत बढ़ जाता है तो भी समस्या है, व्यान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी समस्या है, उदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी समस्या है, और समान तो अल्टीमेटली सब घूमती है तो वो तो पूरी बॉडी में संचरण करने वाली जो है वायु है। नाभि में जो प्राण निवास करता है, मैंने आपसे कल बात की थी देवलोक और पितृलोक की। जो देवलोक है हमारे अंदर, वो देवलोक बेसिकली है क्या, वो प्राण रूपी ऊर्जा है, लाइफ फोर्स है आपके अंदर। और अपान क्या है, अपान है जैसे मैं बोल रहा हूं अब ये एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, वो वाइब्रेशन आप तक पहुंच रही है, मेरे से जा रही है, ये सृष्टि में भी फैलेगी, जिस जिसको जो जो चाहिए वो लेता है, परंतु धीरे धीरे वो ही अपान में बदल जाता है। आप कुछ खाते हैं, आप पीते हैं, उसका एक वेस्ट बनता है, आप कुछ विचार करते हैं उसका एक वेस्ट बनता है, और आप कुछ भी करते हैं कुछ भी उसके पीछे प्राण है। आपके अंदर कोई विचार आता है वो भी प्राण है, उसका कारण प्राण है। आपके अंदर विचार आके चला जाता है, अपनी नेगेटिविटी छोड़ के चला जाता है, वो अपान है, और वही आपकी बॉडी के अंदर व्यान और उदान पे प्रभाव डालता है। प्राण को अगर हम मेंटेन रखें, अपान को बैलेंस्ड रखें, और व्यान और समान उदान जो है वो अपने आप बैलेंस्ड होती है। समान वायु जब हम ब्रेथ लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो ये अपर साइनस हमारा जो है यहीं से सब सप्लाई होता है ना, तो ये समान वायु हमारी बॉडी में घूमती है, सीधा जाती है प्राण की जगह पे। यदि हमारे अंदर प्राण की कमी है तो सीधा जाएगी अपान की जगह पे, अपान ज्यादा है तो अपान की जगह पे जाएगी, और अपान को साथ में लेके घूमेगी, संचरण करेगी। अब एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो अच्छा है, और अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बढ़ जाता है, ओके, अपान हमारी बॉडी में जब बढ़ जाता है तो फिर हमारे अंदर रोग पैदा होने शुरू होते हैं। जो तेज है, जो ओज है, सब प्रकार के रस हैं, सब प्रकार की धातुएं हैं, ये अपान खराब करने लगता है। अब व्यान को और उदान को नहीं पता है कि उसको क्या मिल रहा है, समान उसके पास से होके जाता है। यदि आपके अंदर प्राण ज्यादा है तो वो प्राण का संचरण करेगा और आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे, और इमोशंस जब पॉजिटिव होते हैं तो आप बोलते भी पॉजिटिव हो। उदान भी समान से ही प्रभावित होता है। जब आपके अंदर नेगेटिविटी होगी तो आप बोलोगे भी नेगेटिव, आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो आप बोलोगे भी पॉजिटिव। नींद का बहुत आना ये अपान का ही हिस्सा है, नींद का कम हो जाना ये प्राण का हिस्सा है, परंतु नींद का कम हो जाना भी अपान का हिस्सा है। अगर वो नींद कम होके आपके शरीर को प्रभावित कर रही है तब अपान आपके इमोशंस, आपकी उदान, आपकी समान के साथ में सब एनर्जी सेंटर्स में घूम रही है, और बॉडी
जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है।